हाय स्टूडेंट मैं आप सबों को आज क्लास ट्वेल्व मंथली एग्ज़ामिनेशन सितंबर 2024 में जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के साथ आप सबों के सामने समक्ष हुआ हूं इसमें आईएससी एस और आई तीनों सब्जेक्ट के तीनों फैकल्टी के जो छात्र हैं वो अपने आंसर को मैच करवा सकते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम में कौन से आंसर को मैच किए थे तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है रॉट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन तो इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा वर ट्रेंड रसेल वर ट्रेंड रसेल इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड ऑफ सिवई फो डैस एन तो इसका राइट आंसर है फिफ्टी एन ऑप्शन नंबर सी फिफ्टी एन थर्ड क्वेश्चन है डैश डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग विंटर चार ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वर्ड्स आगे बढ़ते हैं अगला है फोर्थ क्वेश्चन सी सीगा नोया इज अ डैश राइटर तो हम सभी जानते हैं नोया जापानीज राइटर हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्स क्वेश्चन है सीवाइज फादर एसेम्ब हीज डैश टू पीसेज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनि गॉड हो जाएगा अगला है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन डैश इज नॉन एज द पोइट ऑफ चिल्ड्रेन तो इसमें हम लोग का पी वी सैल नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एट नंबर क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का द डैश हैज बिकम डम्प टू सी द फियरलेस ट्रीज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइटिंगल। नाइन्थ क्वेश्चन है डैश इज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी ऑटम टेंथ क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैश पोएम तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैड इलेवेंथ है हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अ ब्यूटीफुल लेडी अगला क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जॉन किट्स इज अ डैश पॉइंट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक पॉइंट अगला क्वेश्चन है हु इज नॉन एज द पीपल्स पॉइंट तो इसका राइट right आंसर है एस टी कलरीज तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा एस टी कलरीज अगला क्वेश्चन है द डैश सिग्निफाइज डैट नथिंग इज एवर लास्टिंग तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सन अगला क्वेश्चन है हु रॉट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स अगला क्वेश्चन है सिक्सटीन नंबर विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी बंगाली ओडिया ये हमारे तीनों नेटिव लैंग्वेज हैं और जो इंग्लिश है यह फॉरेन लैंग्वेज हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर रॉट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि। डैश हैज़ एंडिच द वकेबलरी ऑफ इंग्लिश तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिविंग नाइनटीन क्वेश्चन है विराट कोहली इज अ डैश प्लेयर तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट का मतलब होता है अधिक अच्छा उत्तम या भव्य तो विराट कोहली एक अच्छे या भव्य प्लेयर हैं ऐसा हम लोग कह सकते हैं अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है ही प्रोमिस्ड डैट ही डैश कम सून तो इसमें राइट right आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वुड यानी वुड इसका राइट right आंसर हो जाएगा ट्वेंटी वन जो क्वेश्चन है लेटस मूव तो लेटस मूव के बाद जो राइट right प्रिपोजिशन आएगा वह ऑन आएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अगला है सुमिता लेवर्ड डैश गुड रिजल्ट्स तो इसमें जो प्रिपोजिशन यूज होगा वह फोर हो जाएगा यानी बाईस का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चूज़ द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न तो इसका जो निगेटिव हो जाएगा सुटेबल नेगेटिव हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हिज फ्रेंड डाइड डैश कैंसर तो इस तर इस केस में हम लोग प्रिपोजेशन ऑफ का यूज़ करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चूज द करेक्ट स्पेलिंग तो यहाँ प्री का जो करेक्ट स्पेलिंग है वह ऑप्शन नंबर सी में दिया है पी आर ई एस यू एम पी टी आई ओ एन ये राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है डैश रामायणा इज़ अ होली बुक तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो भी होली बुक या जो भी होली पुस्तक होते हैं उनके नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी द सीता एंड रानी डैश गुड फ्रेंड्स तो सीता और रानी यह पुलरल सब्जेक्ट बन जाते हैं दो नाम एक साथ आते हैं तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इसमें दिया है टू टू अवे विथ तो टू डू अवे विथ का जो मतलब होता है वह एवोलिस होता है मतलब बर्बाद कर देना ढाह देना गिरा देना यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा चूज द करेक्ट सेंटेंस दिया है और इसमें हम लोग का जो करेक्ट सेंटेंस है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है रमन लिव्स इन अ फ्लैट तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा और आज का जो ऑब्जेक्टिव है उसका लास्ट क्वेश्चन है आई एम सीक डैश एंटायर गेम मतलब पूरे खेल में बीमार था तो इसमें हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑफ हो जाएगा तो आज बस इतना ही हमने आप सब को जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन थे उनको आज हमने कराया ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस